ताजमहल ट्रिप। अकेले में टीवी देखने का जितना मजा नहीं, उतना मजा दोस्तों के साथ देखने में है, क्योंकि देखते देखते ढेर सारी बातें और मस्ती भी होती है। गट्टू चिंकी अपने दोस्तों के साथ घर में बैठकर टीवी देख रहे थे। चलिए दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको इंडियन मॉन्यूमेंट्स की दुनिया में, जहां ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार जैसे अद्भुत मॉन्यूमेंट्स नजदीक से देखेंगे और उनके बारे में ढेर सारी रोचक बातें भी जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आपके पसंदीदा चैनल पर, आई इंडिया पर। सारे बच्चे टीवी की तरफ आंख, कान और ध्यान लगाकर बैठे थे और प्रोग्राम बस शुरू ही होने वाला था कि तभी अचानक टीवी का स्क्रीन ब्लैक हो गया। अरे यार, इस लाइट को भी अभी ही जाना था। और नहीं तो क्या, इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, घर बैठे बैठे हमें ताजमहल देखने का मौका मिल रहा था, इस लाइट ने सब बिगाड़ दिया। इस प्रकार बच्चे नाराज होकर बातें कर रहे थे, तभी मम्मी आई। क्या बात है बच्चों, क्यों नाराज हो? मम्मी, टीवी पर एक बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था, इंडियन मॉन्यूमेंट्स दिखाए जाने वाले थे, प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ और लाइट चली गई। अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, मॉन्यूमेंट्स तो मैं तुम्हें अभी दिखा सकती हूँ। आप मोबाइल पर कोई वीडियो चलाओगी, पता है हमें। अरे वीडियो का आइडिया तो पुराना हो गया है अब। अच्छा, तो आपके पास कौन सा नया आइडिया है? 3D का, मेरा मतलब है 3D बेयर ऐप का। 3D बेयर ऐप? मम्मी ने प्ले स्टोर से 3D बेयर ऐप बस कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड करके इंस्टॉल किया और ऐप में मोनूमेंट सर्च करते ही ताजमहल, कुतुब मीनार वगैरह बहुत से मोनूमेंट्स आ गए। ये लो देखो तुम्हारे मोनूमेंट्स। गट्टू ने मोबाइल लिया और वो सबको दिखाने लगा। देखो ये रहा ताजमहल। वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे सच्ची का ताजमहल मोबाइल स्क्रीन में डाउनलोड हुआ है। अरे इतना ही नहीं, तुम सब ताजमहल के साथ फोटो भी खींच सकते हो। मम्मी ने झट से कैमरा ऑन किया तो बच्चों के साथ ताजमहल भी खड़ा हो गया और बन गया फोटो। वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे हम सच में ताजमहल ट्रिप पर गए हैं। ये फोटो स्कूल के ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया तो सब पूछते फिरेंगे, बताओ बताओ कैसी रही ट्रिप। राजू की बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लगे, लेकिन मम्मी ने बच्चों की ये हंसी मजाक वाली ट्रिप की बात सच करने का फैसला कर लिया था। शाम को पापा घर आते ही मम्मी बोली, मुझे लगता है हमें गट्टू चिंकी के साथ ताजमहल की एक ट्रिप प्लान करनी चाहिए। अरे हाँ क्यों नहीं, जरूर चलेंगे। मुझे भी दिल्ली वाले कुछ क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करनी ही है, वहीं से आगरा भी जाएंगे और ताजमहल भी देख लेंगे। गट्टू चिंकी ने जब पापा मम्मी की ये बात सुनी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर क्या, एक दिन प्लेन में बैठकर गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ दिल्ली की तरफ निकल पड़े। सब लोग दिल्ली आ गए, वहाँ से एक प्राइवेट कार ली और फिर आगरा की तरफ बढ़ने लगे। वाओ, कितना ब्यूटीफुल शहर है ये आगरा। आगरा शहर तो खूबसूरत है ही, लेकिन ताजमहल ने आगरा का नाम भी खूबसूरत बना दिया है। जो भी सुनता है उसका दिल ताज ताज हो जाता है। ओहो शायरी। पापा, ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक क्यों माना जाता है? अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम अपनी आंखों से देख लो। और जैसे ही गट्टू चिंकी ताजमहल के सामने खड़े हुए, उनके तो होश ही उड़ गए। ओह वंडरफुल, ब्यूटीफुल, सो नाइस। ताजमहल की ब्यूटी और शाइनिंग देखकर मैं तो पूरी ब्लैंक हो गई हूँ। गट्टू चिंकी देख रहे थे दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य। जमुना नदी के किनारे हरी भरी और काफी संपन्न जमीन पर खड़ा 4 खूबसूरत मीनारों में कैद संगमरमर का अनोखा टुकड़ा ताजमहल। बेटा, ताजमहल एक ऐसी वास्तु है जिसे दुनिया भर के लोग देखने का ख्वाब लेकर इंडिया आते हैं। हमारे देश का गर्व है ताजमहल। फिर मम्मी पापा ने एक गाइड हायर किया और गाइड के साथ साथ गट्टू चिंकी भी ताजमहल की एक एक चीज, एक एक अदा काफी बारीकी से देखने लगे। ताजमहल शाहजहां नाम के एक शासक ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। मुमताज गुजर गई तो शाहजहां को बहुत दुख हुआ। दुख से बाहर आने के लिए उन्होंने इस वास्तु का निर्माण किया। अंदर उन्होंने अपनी पत्नी की कब्र भी बनवाई है। जब जब शाहजहां ताजमहल को देखते थे, उन्हें मुमताज के होने का एहसास होता था। इस प्रकार गाइड ताजमहल का एक एक कोना
और उसकी खूबियां भी बताता जा रहा था। आप ध्यान से देखेंगे तो ताजमहल हिंदुस्तानी, इस्लामी और पारसी कला का एक अनोखा संगम है। कारीगरों ने अपनी कारीगरी का काफी अनोखा और बेहद खूबसूरत प्रदर्शन किया है। हर दीवार, हर कोना और संगमरमर पर छपी हुई नक्शी काफी यूनिक है। गट्टू चिंकी, ताजमहल के लिए जो संगमरमर लाया गया वो हमारे राजस्थान राज्य के मकराना से है। वहाँ का संगमरमर पत्थर नहीं, हीरा है, और उन्हीं हीरों से एक अनोखी चमक पाई है ताजमहल ने। गट्टू चिंकी तो पहली बार ताजमहल देख रहे थे। जैसे ही वो अंदर ताजमहल में आए, अंदर की ब्यूटी और ठंडक ने उनका मन मोह लिया। गर्मी का मौसम है फिर भी कितनी ठंडक है यहाँ। हाँ, एसी की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ तो। सच में मानना पड़ेगा उस जमाने के कारीगरों को और उनकी दृष्टि को। फिर पापा मम्मी के साथ गट्टू चिंकी ने रानी मुमताज और उनके साथ साथ शाहजहां की कब्र यानी मुख्य स्मारक देखा। रानी मुमताज के गुजरने के बाद जब शाहजहां गुजर गए तब उनकी कब्र भी अंदर मुमताज के पास ही बनवाई गई ताकि दोनों की स्मृतियां साथ साथ रह सके। इस प्रकार गट्टू चिंकी ने पूरा ताजमहल घूमकर देखा। उसके बाद यमुना नदी के किनारे आकर उन्होंने नदी के पानी में ताजमहल की खूबसूरत छवि भी देखी। जगह जगह काफी सारे फोटो सेशन किया और 5 बजते ही कार में बैठकर सब लोग वापस होटल की तरफ निकल पड़े। तो आप भी डाउनलोड कीजिए 3D बेयर ऐप और बनाइए अपना खुद का AR वर्ल्ड और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और पाइए ढेर सारे लाइक्स। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।